नमस्कार, मैं हूं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश। और आज के स्टूडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये जो स्लाइड वाला ब्लॉक है, इसके सारे ऑप्शंस के बारे में, जैसे न्यू स्लाइड, लेआउट, रिसेट और सेक्शन वाला। ये सेक्शन वाला इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नया फीचर्स है, तो ये भी आपके काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं न्यू स्लाइड वाले ऑप्शन पे। न्यू स्लाइड, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो न्यू स्लाइड यानी एक नया स्लाइड ऐड करने के लिए ये शॉर्टकट की से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से क्लिक करने पर भी कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई पावर पॉइंट स्लाइड ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड ओपन होता है, जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं टाइटल स्लाइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्लाइड है। तो जब भी आप अपना पावर पॉइंट ओपन करेंगे, तो आपको टाइटल स्लाइड के रूप में पहला स्लाइड दिखाई देगा। इसके बाद जब भी आप नया स्लाइड इसमें ऐड करेंगे, तो टाइटल एंड कंटेंट होता है। तो देखिए, जैसे हमने देखा था यहाँ पे उसका शॉर्टकट, हम शॉर्टकट से कंट्रोल एम, जो कि उसका शॉर्टकट है, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एम मैंने प्रेस किया, ये देखिए एक नया स्लाइड ऐड हो गया है। अब इस पर आके देख लेते हैं, ये देखिए टाइटल एंड कंटेंट जो है हमारा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी नया स्लाइड ऐड करेंगे, टाइटल एंड कंटेंट वाला हो जाएगा। मैं एक और नया स्लाइड ऐड करता हूँ कंट्रोल एम से, इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये दोनों स्लाइड आपको सेम दिखाई देगा। ये भी देख लेते हैं टाइटल एंड कंटेंट। तो इस तरह से आप चाहे शॉर्टकट से ऐड करें या न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, एक नया स्लाइड जब भी ऐड होगा वो टाइटल एंड कंटेंट वाला स्लाइड होगा। मैं दोनों स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए सिर्फ इस पर क्लिक करके डिलीट बटन दबाना है कीबोर्ड पर, या फिर मैं इसको राइट क्लिक करके भी यहाँ से डिलीट स्लाइड का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से, तो ये थे पहले दो ऑप्शन। इसके बाद अगला वाला जो ऑप्शन है वो सेक्शन हेडर का ऑप्शन है। तो मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पर सेक्शन हेडर वाला, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद इसके नीचे टू कंटेंट वाला है, वो ले लेता हूँ। अगला स्लाइड है आपका कंपैरिजन वाला, वो भी ले लेते हैं। फिर टाइटल ओनली स्लाइड है, उसको ले लेते हैं। इसके बाद ब्लैंक स्लाइड का ऑप्शन है, वो भी ले लेते हैं। हमारे पास अभी 7 स्लाइड हो गई है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। इसके नीचे कंटेंट विद कैप्शन वाला ऑप्शन है, उसको भी ले सकते हैं। और अंत में पिक्चर विद कैप्शन वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। इन सारे स्लाइड को एक साथ में देखने के लिए ये जो स्टेटस बार है उस पर स्लाइड सॉर्टर वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे स्लाइड आपको इस तरह से दिखाई देंगे। अब जिस भी स्लाइड पर क्लिक करेंगे आप उसमें डायरेक्ट एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमें सारे स्लाइड्स पे दिखाई दे रहा है। अब इन स्लाइड्स पर हमने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये ब्लैंक स्लाइड में दिखाई दे रहा है। फिर से उस वाले व्यू पर आ जाते हैं, यहाँ से नॉर्मल व्यू पर। जैसे नॉर्मल व्यू पर आए, हम देखिए जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक टू ऐड टाइटल जैसे लिखा हुआ है। अभी सारे स्लाइड के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं सब स्लाइड में जाके पेस्ट कर देता हूँ, ऐसे ही किसी भी रैंडम जगह पर। सिर्फ उस पर जाकर मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ। तो पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल वी यूज करते जा रहा हूँ। तो ये मैंने सब स्लाइड पर कर लिया है। अब वापस से स्लाइड सॉर्टर व्यू पर जाएंगे, आप देखिए सारे स्लाइड में लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम सारे स्लाइड्स को देख सकते हैं, सारे टाइप के। अब हमने यहाँ से सारे 9 टाइप के जो स्लाइड यहाँ पे बने हुए थे, उन सारे स्लाइड को यहाँ पे लेके देख लिया। देखिए पीछे 9 स्लाइड्स दिखाई दे रहे हैं। ये बॉक्स अगर आपको बड़ा करना है तो आप इस कॉर्नर से इसको ऐसे इस तरह से भी बड़ा कर सकते हैं। अगर ऊपर तक रखना है तो इस तरह से रख सकते हैं, नीचे और बड़ा देखना है तो इस तरह से आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं एक साथ। इसको वापस छोटा कर देता हूँ। अब इसी में नीचे हमारे पास और ऑप्शन है डुप्लीकेट स्लाइड्स का। तो डुप्लीकेट स्लाइड समझाने के लिए पहले मैं नॉर्मल व्यू पर आ जाता हूँ। डुप्लीकेट स्लाइड नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा भी स्लाइड ऊपर होगा सेम उसी का डुप्लीकेट हम एक और बना सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो पहला वाला स्लाइड है अपना टाइटल स्लाइड, उसका एक डुप्लीकेट स्लाइड बना लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर लेता हूँ और डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड जो लिखा है वो ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। तो जिस भी साइड पर हम स्लाइड पर हमने क्लिक किया होगा वो स्लाइड का उसी तरह का एक डुप्लीकेट बना लेगा। तो मैं इस पर एक क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए अगला स्लाइड आ गया है, वो इसी का डुप्लीकेट है। जैसा इसमें लिखा हुआ है सेम चीजें इसमें लिखी हुई है, और इसका टाइप भी आप चेक करेंगे वही आएगा टाइटल स्लाइड। तो जिस भी स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे, जिस भी टाइप के स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे उसका डुप्लीकेट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। डुप्लीकेट आप राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की कंट्रोल डी भी यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट के लिए। तो इस तरह से ये देखिए 3 डुप्लीकेट स्लाइड बन गए हैं, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये था डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन। इसके बाद हम नीचे चलते हैं और यहाँ से स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं दूसरे स्लाइड पर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आके स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पर क्लिक किया, तो डेस्कटॉप से मान लीजिए जैसे मैं एडवांस एक्सेल पे गया, इसमें एक ये टेक्स्ट फाइल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ।
तो देखिए जैसे मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे दो नए स्लाइड ऐड हो गए हैं और जो दो फॉर्मूले उस टेक्स्ट वाली फाइल में थे जो हमने लिए थे वो दो अलग अलग हो गए हैं यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो आप कोई भी स्लाइड को जब आप लेते हैं इसमें तो उसमें जो कुछ लिखा हुआ होगा स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पे तो वो हमारे स्लाइड में आ जाता है इस तरह से। अब मान लीजिए जैसे अगर मैं कोई स्लाइड मेरे पास ऑलरेडी है पहले से बनी हुई और मैं उसको इस एग्जिस्टिंग स्लाइड में ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अलग अलग लोग अलग अलग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं और हमें बाद में उसको एक मर्ज करना होता है तो उसके लिए हम जैसे मैं लास्ट वाली स्लाइड पर आता हूँ और यहाँ से रीयूज स्लाइड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने रीयूज स्लाइड पर क्लिक किया यहाँ पे मुझे जो स्लाइड मैंने पहले यूज की थी वो दिखाई दे रहा है। अगर मुझे ये नहीं लेना है कोई और लेना है तो मैं यहाँ से ब्राउज भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये बेसिक एक्सेल स्क्रीन वाला मैंने ले लिया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे वो स्लाइड आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये आप यहाँ पे बेसिक एक्सेल का स्क्रीन भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से वो ऑप्शन यूज किया है रीयूज स्लाइड वाला। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो इस ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कोई भी ऑप्शन को यहाँ से यूज कर सकते हैं ये न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन। अब इसके आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं लेआउट। लेआउट के लिए मैं यहाँ पे से जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ से भी इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। लेआउट वाला ऑप्शन क्या करता है कि आप जो भी स्लाइड आपने जिस टाइप का जैसे ये अगर स्लाइड पर हम देखें तो ये है टाइटल एंड कंटेंट वाला स्लाइड। ठीक है ये टाइटल एंड कंटेंट। अगर मैं न्यू स्लाइड लेता हूँ तो एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसी स्लाइड का जो टाइप है यानी उसका जो लेआउट है उसको बदलना है। तो अगर हम न्यू स्लाइड लेंगे तो वो एक नया स्लाइड ऐड कर देगा। मुझे नया स्लाइड ऐड नहीं करना है जो एग्जिस्टिंग स्लाइड है उसका ही लेआउट चेंज करना है। तो मैं बस इसके ड्रॉपडाउन पर क्लिक करूंगा यहाँ पे और जो भी लेआउट मुझे करना है मान लीजिए जैसे ये जो सेकंड वाला स्लाइड है टाइटल एंड कंटेंट वाला है मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह पे ब्लैंक स्लाइड आ जाए तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ब्लैंक स्लाइड आ गया है। अब ब्लैंक स्लाइड पर ये दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे नीचे मेरे पास 9 ही स्लाइड है क्योंकि 9 तरह के हमने स्लाइड लेके रखे थे यहाँ पर ये 9 तरह के स्लाइड यहाँ पे। तो वही 9 स्लाइड है एक नया स्लाइड नहीं ऐड हुआ है उसी को हमने चेंज कर लिया। अब जैसे ये ब्लैंक टाइप का हो गया मैं इस पे से इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझे ये ब्लैंक स्लाइड है। अभी मैं यहाँ से लेआउट में जाता हूँ और इसको वापस से टाइटल एंड कंटेंट या फिर टाइटल ओनली वाला स्लाइड ले लेता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने टाइटल ओनली वाला स्लाइड लिया है अब यहाँ पर टाइटल लिखने का जगह आ गया है। तो ये था लेआउट वाला ऑप्शन जिसमें हम जो भी ऑप्शन चाहे जिस भी तरह का स्लाइड हमने लिया हो उसका अगर लेआउट बाद में बदलना है तो हम इसको दे सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप लेआउट को बदल के ही टाइप कर सकते हैं उसमें। जैसे मैंने यहाँ पे इसको टाइप किया अगर मैं इसका लेआउट भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए ये लेआउट में आके यहाँ से ब्लैंक वाला लेआउट ले। तो पीछे से मैंने जैसे ही उसका फॉर्मेट चेंज किया तो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट में चेंजेस आ गए यहाँ पर। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ अब ये देखिए वापस से पुराने वाले टाइप पर आ गया है। तो ये था लेआउट वाला ऑप्शन। इसके बाद रीसेट वाले ऑप्शन पे आते हैं। अब आप देखिए मैंने इसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग की है। अगर मान लीजिए जैसे ये ब्लू कलर में जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर स्लाइड्स ऑप्शन इन पावर पॉइंट या पावर पॉइंट में स्लाइड्स विकल्प ये हटाकर मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ। रीसेट यानी ये वो क्या करेगा जो पुराने फॉन्ट के साइज जो मैंने इसमें लिया था उस तरह से उसको लेके रख लिया। तो मैं रीसेट पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये स्लाइड पूरा चेंज हो गया है एकदम नॉर्मल जैसे फॉन्ट वो सब थे वो सब आ गया। जो भी फॉर्मेटिंग है ऐसा पहले दिखाई दे रहा था वो सब फॉर्मेटिंग अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने रिसेट वाला ऑप्शन यूज किया है। मैं इसको वापस पहले जैसा करने के लिए कीबोर्ड पे कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आ गया। तो रिसेट वाला ऑप्शन आपके सारे जो भी चेंजेस आपने किए उसको हटाकर एक नॉर्मल स्लाइड में जैसे आप टाइपिंग करते हैं वैसे सारे फॉन्ट्स वो सब में लाके दे देगा। अब इसके बाद ये जो एक नया ऑप्शन आया है सेक्शन वाला। अब सेक्शन में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे 9 स्लाइड जो हमने लिए हैं वो उसमें तीन तीन टाइप के अलग अलग चीजों पर हम बात करने वाले। तो ये जैसे पहला दूसरा तीसरा ये तीन स्लाइड मैंने सिलेक्ट किए शिफ्ट और डाउन एरो से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सेक्शन पर जाएंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास ऐड सेक्शन रीनेम सेक्शन रिमूव ऑल सेक्शन कोलैप्स ऑल और एक्सपांड ऑल के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से अभी एक्टिव ऐड सेक्शन वाला ऑप्शन है क्योंकि मैंने अब तक कोई भी सेक्शन ऐड नहीं किया इसलिए ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐड सेक्शन पर क्लिक करते ही एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए हैं। तो मुझे ये सारे ऑप्शन नहीं चाहिए मैं पहले यहाँ से कैंसिल कर लेता हूँ। मैं सिर्फ कंट्रोल प्रेस करके इस बार ये तीन स्लाइड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेक्शन पर क्लिक करता हूँ ये देखिए यहाँ पर वापस अब अभी सारे ऑप्शन आने लगे हैं। मैंने ऐड सेक्शन पर क्लिक किया और यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ सेक्शन या फिर स्लाइड टाइप 1।
ऐसा मैंने नाम दे दिया है, इसको रीनेम कर लिया है। तो ये देखिए पूरा स्लाइड टाइप वन वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया है, जिसमें पूरे 9 स्लाइड आ गए हैं। मैं सेक्शन को जो आ गया है इसको डिलीट कर लेता हूँ ऊपर से, ये रिमूव सेक्शन पर क्लिक किया, अनटाइटल वाला हट गया है। अब मान लीजिए इसे मुझे ये सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इस पर एक सेक्शन लगाना है, ऐड सेक्शन पर मैंने क्लिक कर लिया। अब ये फर्स्ट सेकेंड पे दूसरा आ गया, यहाँ से इसके नीचे वाले सारे सेक्शन, सारों पर एक सेक्शन लग जाएगा स्लाइड टाइप टू, इसको रिनेम कर लेता हूँ। अब आप देखिए पहले के लिए 2 स्लाइड है, दूसरे के लिए हमारे बचे हुए स्लाइड साइड है। उसके बाद फिर मैं वापस ये तीन को छोड़ के इनके नीचे वाले जो तीनों सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ। ऐड सेक्शन में गया और स्लाइड टाइप थ्री करके रीनेम कर देता हूँ। तो ये मेरा थर्ड वाला सेक्शन आ गया है, जिस पर अभी ये बाकी के स्लाइड आ गए हैं। तो इस तरह से ये तीनों सेक्शन मेरे अलग अलग लग गए हैं। अब सेक्शन से फायदा क्या होगा, सेक्शन लगने के बाद अब सेक्शन के पहले सारे स्लाइड मुझे एक साथ में ओपन दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पे सेक्शन लगने के बाद मैं सिर्फ उन्हीं स्लाइड को देख सकता हूँ जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ, ताकि मेरा फोकस उस पे रहे कि अच्छा मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया स्लाइड टाइप वन, तो ये दोनों टाइप वन पर ही मैं काम करने वाला हूँ। तो जो भी चीजें मुझे टाइप वन के अंदर लिखनी थी वो सिर्फ उतनी ही चीजें यहाँ पे या उतने ही स्लाइड मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरह से मैं इसको क्लिक करने पर हाइड भी कर सकता हूँ, मान लीजिए पहला सेक्शन हो गया तो दूसरे पे आना है, फिर तीसरे पे आना है, तो अपनी इच्छा के अनुसार मैं इसको जहां पर चाहिए वहां पे देख सकता हूँ। यानी अगर मुझे सारे साथ में चाहिए मैं सेक्शन पे जाके यहाँ से एक्सपांड ऑल कर सकता हूँ, सारों को एक साथ बंद करना है तो मैं कोलैप्स ऑल कर सकता हूँ, रिमूव करना है सेक्शन तो मैं रिमूव ऑल सिलेक्ट ऑल सेक्शंस कर सकता हूँ, एक एक को हटाना है तो रिमूव सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड सेक्शन आपने देख लिया, किसी को रीनेम करना है तो हम रीनेम भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं रिमूव ऑल सेक्शंस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सारे सेक्शन अब हट चुके हैं और हमें सारी स्लाइड फिर से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने बात की है न्यू स्लाइड, अलग अलग स्लाइड के ऑप्शंस क्या है, अगर आपने कोई स्लाइड लिया है तो उसका लेआउट कैसे बदल सकते हैं, यानी उसको किसी दूसरे टाइप के स्लाइड में करना हो तो कैसे कर सकते हैं, अगर आपने जो कुछ भी लिखा अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो एक एक चीजों को या एक एक फॉर्मेट को हटाने से अच्छा आप रिसेट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, तो जो भी लिखा हुआ होगा फॉर्मेटिंग होगा वो सब हट जाएगा, नॉर्मल फॉर्मेटिंग नॉर्मल फॉन्ट्स के साथ में लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद सेक्शन वाला ऑप्शन देखा जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शन थे जिसमें हम ग्रुप की तरह उसको यूज कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे एक सेक्शन में हमने रखा था पहला और दूसरा स्लाइड तो उसका एक ग्रुप बन गया था, तो हम उसी पे फोकस करना चाहते हैं तो सेक्शन वन को खाली यूज करेंगे। इस तरह से हम एक्सपांड कोलैप्स रीनेम रिमूव और रिमूव ऑल सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो स्लाइड वाला ब्लॉक है उसमें न्यू स्लाइड लेआउट रिसेट या सेक्शन के ऑप्शंस क्या यूज होते हैं तो आप उनको अच्छे से समझा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जिस तरह से आपको मदद कर रहा है आप और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।